अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। आज आपके अपने कसूरी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ कसूरी मुर्ग मलाई चिकन। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 3 किलो, उसे अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया। 4 मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, उसे मैंने ऑमलेट टाइप का कटिंग कर लिया है, बारीक पीसीस कर लिए हैं। 1 किलो मैंने दही लिया है, आधा किलो क्रीम ली है, 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया, 8 से 10 अदरक सबज मिर्च लिए जिसे मैंने 2-2 पीस कर लिए, कुछ ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं साबत जिसमें ये तेज़पत्ती हैं चंद अदरक, आधा चम्मच काली मिर्च साबत, 3 से 4 पीस दालचीनी के लिए हैं, 3 सबज़ इलायची लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, आधा चम्मच लौंग लिए हैं और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। इसमें जाएगा 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच जो है वो सुरख लाल मिर्च चाहिए, और जो ऑयल है वो हम हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। जी फ्रेंड्स, बर्तन हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड करती हूँ। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके इसमें अब हम खड़े साबुत मसाले डालते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये सारे साबुत मसाले ऐड करती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, फिर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया, मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। प्याज को अच्छी तरह जो है वो ब्राउन करेंगे। प्याज जो है वो हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन की खुशबू आना शुरू होगी, अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च जो मैंने पीसीज में कटिंग की थी उसे ऐड करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसमें। चिकन को मैंने मिक्स कर दिया, अब ये इसका पानी खुश्क होगा। कसूरी मुर्ग मलाई जो है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने तो आप लोग उसको कढ़ाई में बनाइएगा। मैं भी इसलिए कढ़ाई में बना रही हूँ, इसमें बहुत ही मज़ेदार बनती है, अच्छी खुशबू आना शुरू होगी। अब हमारा जैसे जैसे चिकन का पानी खुश्क होगा फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें सबसे पहले नमक ऐड करती हूँ। 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। मैं इनको मिक्स करती हूँ। मसाले हमारे भुन चुके हैं, खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। अब दही जो है उसका पानी जो है वो निकलेगा, फिर मिक्स होगा, तब तक ये हमारा सालन जो है वो और भी मज़ेदार बनना शुरू हो जाएगा। सही है, दही का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कसूरी मुर्ग मलाई में, वो है कसूरी मेथी। तो मैं बहुत माजरत के साथ के पहले मैं बोल गई थी बताना, ये इसमें ऐड करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे। जी फ्रेंड्स, दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब मैं ये क्रीम मिक्स कर रही हूँ इसमें, और इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे और हमारे जो है कसूरी मुर्ग मलाई जो है वो बिल्कुल तैयार होगी। क्रीम जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, इसमें हमारा जो ऑयल है ये देखिए किनारों पे आना शुरू हो गया है, बुलबुले बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो कसूरी मुर्ग मलाई चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, उसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, कसूरी मुर्ग मलाई चिकन को मैंने डिश आउट कर दी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है।
आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इस चिकन को ट्राई ज़रूर करें। इसे आप रोटी, नान और सादा चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और दिलकश लगेगा आपको। बहुत ही टेस्टी डिश है ये। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।